ब्लैक सी में रूस की जंगी तैयारी का कैसे हुआ खुलासा और सीरिया में ईरान के बेवकूफ की तैनाती के क्या है मायने, ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए अब देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। ब्लैक सी में रूस की विध्वंसक तैयारी का खुलासा हुआ है। अमेरिकी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में क्रीमिया के सेवस्तोपोल में रशियन नेवी की ब्लैक सी फ्लीट नजर आई। वॉरशिप और न्यूक्लियर सबमरीन को रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। रूस के धमकियों के बावजूद यूक्रेन की मदद के लिए यूरोप एकजुट है। यू देश अपने नागरिकों को जंग में शामिल होने की मंजूरी दे रहे हैं। स्लोवाकिया की राष्ट्रपति ने नागरिकों के यूक्रेन आर्मी में शामिल होने वाले आदेश को मंजूरी दे दी है। चीन और रूस से दुनिया के बढ़ते तनाव पर जापान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चिंता जताई। जापान ने कहा यूक्रेन से रूस को बाहर जाना चाहिए और इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते एक्शन पर ब्रेक लगनी चाहिए। चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे के चलते ब्रिटेन और जापान ने ऐतिहासिक डिफेंस डील की है। दोनों देश इंडो पैसिफिक में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल पर सहमत हुए हैं ताकि चीन के चालाकियों पर लगाम कसी जा सके। इजरायली हमलों से सीरिया को बचाने के लिए ईरान सीरिया में पावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा, जिसके जरिए 300 किलोमीटर की रेंज में इजरायली F-35I फाइटर जेट को निशाना बनाया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप के शासन पर छपी एक किताब में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में ट्रंप नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर अटैक का मन बना चुके थे और इसकी जिम्मेदारी किसी और देश पर डालना चाहते थे। हुती विद्रोहियों से जारी तनातनी के बीच सऊदी अरब ने महिला आर्मी ब्रिगेड तैयार कर ली है। पहले बैच में 255 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई जो आर्मी ज्वाइन करने को तैयार है। आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट और किलर मिसाइलें देने से अजरबैजान भड़का हुआ है। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के फैसले को गैर दोस्ताना बताया है। दोनों देशों में नागोर्नो काराबाख को लेकर तनाव बना हुआ है। भारत और आर्मेनिया के बीच 2000 करोड़ के हथियारों की डील हुई है, जिसके तहत भारत आर्मेनिया को अपने बेहद घातक MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाकर रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक रॉकेट और कई तरह के विस्फोटक सप्लाई करने जा रहा है।